वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है, ब्रिज रेक्टिफायर 220 वोल्ट इनटू 12 वोल्ट। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 4007 डायोड की, और जो डायोड है वो प्लस, जो सिल्वर वाला जो पार्ट है वो प्लस है, जो ब्लैक वाला पार्ट है वो माइनस है। तो हमें उसे शोल्डरिंग कर लेना है। ऐसे ही एक और डायोड लेना है जिसमें दो सिल्वर पार्ट एक साथ मिलते हैं, तो हम वो प्लस 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 दोनों शोल्डरिंग कर लेंगे। तो वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखना। और ये जो दो डायोड है, जो दो ब्लैक पार्ट है, तो हमें उसे माइनस ये भी हम जोड़ लेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, जो पहला सोल्डरिंग किया था हमने प्लस, और ये जो दूसरा सोल्डरिंग किया था ये माइनस। तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया हुआ है। और इसे भी हम सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये प्लस माइनस और एसी के करंट के हमें पार्ट्स पता चल चुके हैं। अब हम इसे एडिशनल जो लेग्स है वो हम काट लेंगे। ये वीडियो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। और ये हमने 220 वोल्ट का 25 वोल्ट का कैपेसिटर लिया हुआ है। यह है जनरल डायोड 12 वोल्ट का, जिससे हमें फिल्टर होके जो करंट मिलेगा वो 12 वोल्ट डीसी ही मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं वो प्लस और एक माइनस, इसे भी हम सोल्डरिंग कर लेंगे। और ये हमारा डीसी आउटपुट मिलेगा यहाँ से हमें 12 वोल्ट, जिससे हम अपनी डीसी मोटर्स वगैरह चला सकते हैं। अब हम ले लेंगे 155J 400 वोल्ट का कैपेसिटर, इसे भी हम सोल्डरिंग कर लेंगे 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस के साथ में। जैसे कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में, इसे हम सोल्डरिंग कर लेंगे 155J 400 वोल्ट कैपेसिटर में। और जो हमने मिली ओम रेजिस्टेंस किया है, ये क्या फिल्टर वगैरह करने के काम में आता हुआ है, तो एडिशनल लेग्स हम कट कर लेंगे। अब जो हमने जो पहला बनाया था ब्रिज रेक्टिफायर, उसे हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे। ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है 12 वोल्ट देने के लिए ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें वायर कनेक्ट करेंगे। ये हम एसी का कनेक्शन कर रहे हैं पहले, जहाँ से हमें 200 वोल्ट एसी सप्लाई इनपुट करना है, ब्लैक वाला और ये रेड वाला। और ये जो हम नीला वाला वायर देख रहे हैं, इससे हमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल जाएगा, जहाँ से हम अपना 12 वोल्ट मिलेगा हमें, जिससे हम अपनी डीसी मोटर चला सकते हैं। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है रेडी हो गया है। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और घंटे बटन को दबाना ना भूलना। तो ये हम प्लग में डाल लेंगे, बटन जैसे ही चालू करेंगे, देखिए हमारा सप्लाई बन चुका है। देखिए डीसी मोटर हमारी चल रही है बड़े ही आराम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।